जोरदार ताली के साथ, जोरदार ताली के साथ अल्पेश को। थैंक यू सर। अल्पेश जी, अल्पेश जी, अभी अभी स्क्रीन में आपके दोस्तों, मुझे खुशी है, खुशी है कि आपको देखने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस सर, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अभी आपकी बारी है, अल्पेश जी जो बताएंगे उन सब जो सीखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने बताया था ना, मैं उनका वन ऑफ द बेस्ट फैन हूँ। आज अल्पेश के मुंह, अल्पेश जी के मुंह से जो भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, इसको पेन पेपर में लिख के रखिए, हर एक पॉइंट लिख के रखिए दोस्तों। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, आपको भरोसा दिला सकता हूँ, आज अल्पेश जी का जो आवाज में कई हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव आने वाला है। अल्पेश जी प्लीज, प्लीज अल्पेश जी, अभी स्क्रीन आपकी है। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद आचार्य, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, बिंदास टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी आपके लोगों के साथ बात करने के लिए। मुझे, मैं कहता हूं ना कि मैं कभी नॉन लिविंग थिंग चीजों से प्यार नहीं करता, जिसके अंदर जान नहीं उसे प्यार नहीं करता, और इंसान के अंदर जान है तो आई लव ह्यूमन, और ह्यूमन चाहे फिर कहाँ का भी हो मेरे लिए एक जैसा है, और वो इवन दो वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से है तो भी मेरे जैसे, मेरे लिए एक जैसा है। तो थैंक यू सो मच इतने सारे ह्यूमंस को मेरे सामने लाने के लिए और उनसे मुझे रूबरू करवाने के लिए। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से इनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, इन पूरी भीड़ में अगर एक इंसान की भी लाइफ आज बनती है तो मेरे लिए ये एक घंटा वर्थ होगा, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग पानी की परबे बनवाते हैं पैसे को पानी देने के लिए, लोग कैंसर की हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ कुछ लोग एजुकेशन फ्री रखते हैं, मतलब कुछ लोग खाना फ्री रखते हैं। एक मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोगों की जिंदगी फ्री में बना सकते हैं। तो आई फील गुड कि भी मैं कहीं ना कहीं कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया, जिससे मेरा एक भी रुपया कटता नहीं है। टाइम देना है, और टाइम देने के बाद जो आदमी काम करता है वो हमेशा निखरता है। मैं एक बार बोलूंगा और 100 बार बोलूंगा, दोनों में बहुत फर्क रहेगा मेरी लाइफ के अंदर। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू गॉड, मुझे परमपिता परमेश्वर ने इंसान के रूप में जन्म दिया और मुझे इंसानियत को समझने का एहसास भी दिया। थैंक यू सो मच माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से आज मेरा जबड़ा है, आवाज है, चमड़ा है, मेरा वजूद है। अदर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। थर्ड वन मिस्टर समीर मोदी, जिनकी वजह से हम सब सभी लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनती, ईमानदार, कमिटेड, हार्डवर्किंग गाय तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी होता है, लेकिन वो कभी करोड़पति नहीं बनता, क्योंकि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को प्रूव करने का। मतलब वो कितना भी कमिटमेंट, हार्डवर्क, ऑनेस्टी के साथ तांडव कर ले, ऑटो रिक्शा की ताकत और औकात नहीं कि एक इंसान को कभी भी करोड़पति बना पाए। तो थैंक यू अगेन मिस्टर समीर मोदी या मोदी ग्रुप, जिनकी वजह से हम सभी लोगों के पास कम से कम एक मौका है। मतलब आज एक बंदा जो मार्केट के अंदर 25,000 की जॉब कर रहा है, आप उनसे जाके पूछिए क्या तुम्हारे पास मौका है 10 लाख पे पहुंचने का, लेकिन वो 25,000 वाले के पास 10 लाख पहुंचने का मौका नहीं है। मोदी केयर में एक 2,000 कमाने वाला आदमी बोल सकता है कि मैं 20 लाख पे पहुंचूंगा, और दैट्स व्हाई वी ऑल आर थैंकफुल टू मिस्टर मोदी एंड मोदी ग्रुप एंड मेन हमारे मेंटर, गुरु, गुरु माँ जिसे हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इस बिजनेस में ही नहीं होता, तो मैं हमेशा उनके लिए आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ, बिकॉज उन्होंने ही मुझे सिखाया है। अगर कोई ना कोई मुझे करेक्ट करता है मेरी लाइफ के अंदर तो उनका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा योगदान है। मेरी टीम अगर मोटिवेटेड है काफी हद तक, मैं तो हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि मेरी सक्सेस का 90% मैं आप ही को देता हूँ, 10% आप मेरी और मेरी टीम की मेहनत समझ लीजिएगा, उतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आई एम सो लकी टू हैव अपलाइन लाइक सुरेखा भार्गव मैम एंड ऑल्सो प्रमोद जी, आप जितनी भी एंटायर लीडरशिप है इंडिया की, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आज भी अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ तो आपका चेक देख के करता हूँ कि मेरा भी कब 25-30 लाख रुपए आएगा 15 लाख से 25-30 कब आएगा, तो ये सोच के मैं मेहनत करता हूँ। और सभी जितने भी लीडरशिप है एंटायर मोदी केयर की, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आखिरी में मेरी टीम, क्योंकि मेरी टीम सेम मेरे पेरेंट्स की जैसी है, अगर वो नहीं है तो मेरा वजूद नहीं है। मैं सभी लोगों को बहुत चाहता हूँ,
मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे पहुंचा हूं आज, अब वो लोग भी वहीं पे पहुंचे जहां पे मैं हूं। और आज अगर मैं कार्यरत हूं तो शायद मेरा पैसा मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मेरा ये मकसद जरूर है कि उन सभी लोगों को मैं सेम लाइफ दूं जो आज मेरे पास है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो माफ कीजिएगा। और जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम अल्पेश गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को प्रेजेंट करता हूं। मैं बड़ौदा में रहता हूं, गुजरात में। और क्योंकि आपको पता होगा कि COVID-19 सबसे ज्यादा अफेक्टेड है हमारे वेस्ट रीजन के अंदर। अगर टॉप 5 स्टेट्स माने जाए तो उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात टॉप 5 में आते हैं। इवन राजस्थान भी आ गया जो हमारी बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ग्रेस ऑफ गॉड मोदी केयर ने ये लॉकडाउन के पीरियड में भी 50 लाख से ज्यादा रुपए हमारे अकाउंट में भेजे। तो थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू अपॉर्चुनिटी और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने 21 अगस्त 2013 को मोदी केयर को स्टार्ट किया था। वो मेरा पहला दिन था। जिन लोगों का आज पहला दिन है वो मुझे ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि मेरा भी जहां पे आप आज हो वो मेरा कल था, और जहां मैं आज हूं वो आपका कल हो सकता है। अगर आप डिटर्मिनेशन पावर है आपके पास, कुछ करने की चाहत है, अगर आप लेजीनेस को हटा देते हो, अगर आप अपनी लाइफ में लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड को हटा देते हो, तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लाइफ में हो सकती है जो हमारे साथ हुई है। तो 21 अगस्त 2013 से अभी 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, मेरी जो ग्रोस इनकम है लगभग 7.5 करोड़ रुपए मैंने मोदी केयर से कमाए हैं। 3 कार खरीदी जिसके अंदर जैगुआर है, और बात करें तो लंदन, दुबई, बैंकॉक, पता है, और कई कंट्री हम दो बार जाके आए हैं। सिर्फ 6 साल अंदर हुआ, अभी लास्ट 1 साल से तो हमारी ट्रिप हुई नहीं है। सिर्फ मैंने पैसे नहीं कमाए, मेरी टीम के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 7,00,000 रुपए कमा रहे हैं। कार की बात करें तो मोर देन 150 से भी ज्यादा कार नहीं आ चुकी है हमारी टीम के अंदर, जिसमें 70% महिलाओं ने खरीदी है। 3rd फॉरेन ट्रिप सिर्फ मैं अपने परिवार को लेके नहीं गया, मेरे मोदी केयर के परिवार से मोर देन 1,000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप जाके आए। उसमें 90% लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे थे, और इसीलिए मुझे मोदी केयर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अमीरों को बहुत अमीर बना लिया, चलो मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। और ये बात मैं सिर्फ गरीबों को कहना नहीं चाहता, ये बात मैं अमीरों को भी कहना चाहता हूं कि चलो मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। ये सबको लागू होता है, क्योंकि 100 करोड़ का मालिक 100 लोगों को करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन मोदी केयर का एक अच्छा लीडर 100 नहीं 1,000 लोगों को करोड़पति बना सकता है, 10,000 लोगों को करोड़पति बना सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग में, ये ताकत मोदी केयर के अंदर है, ये ताकत आपकी लीडरशिप में है। क्योंकि प्रमोद आचार्य साहब ने मीटिंग रखी है, मैं बता दूं, ही इज सो हम्बल, मैंने इतना ग्राउंड लेवल पे कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा। मुझे कभी ये भी फील नहीं हुआ कि उनको बुरा लगता है, क्योंकि जैसे मेरे से उनका नेचर अपोजिट है, मैं अग्रेसिव है, मुझे बुरा जल्दी लगता है, अच्छा जल्दी लगता है। उनकी हर चीज में इतनी मैच्योरिटी भरी हुई है, मैंने हमेशा जब जब उनको रीड करने का ट्राई किया, मुझे हमेशा कुछ चीजें उनकी लाइफ से चुराने का मन हुआ कि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी उतार लूं जो मिस्टर आचार्य के पास है, जो मेरे पास नहीं है। तो वो लीडरशिप आपके पास है, आपको आंख बंद करके, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक बच्चा था फ्लाइट में बैठा हुआ था, वीडियो गेम खेल रहा था, और फ्लाइट के अंदर बादल आए, बादल आते आपको पता है कि फ्लाइट पूरी हिलने लगती है टकरा के बादलों से। सारे लोग डर गए थे, सबने बेल्ट टाइट कस के बांध लिए। ये बच्चा बड़े आराम से गेम ही खेल रहा था, और वो तूफान जो है लगभग आधा घंटा चला। लोग प्रेयर कर रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन ये बच्चा गेम खेल रहा था। उसके बाजू में एक बुजुर्ग अंकल थे जो ये चीजें देख रहे थे, और बच्चे ने गेम खेलना चालू रखा। आधे घंटे के बाद जब तूफान थम गया, फ्लाइट स्टेबल हो गई, अच्छी तरह से उड़ने लगी, तो सभी लोगों ने बेल्ट खोला, रिलैक्स किया, भगवान को थैंक्स बोला। लेकिन उस बुजुर्ग इंसान से रहा नहीं गया, उसने उस बच्चे को पूछा कि बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो बच्चे ने गेम खेलते खेलते देखा किस बात का, बोले जो फ्लाइट इतनी हिल रही थी तूफान के अंदर,
क्या बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? बोले अंकल मुझे कैसे डर लगेगा, फ्लाइट मेरे पापा चला रहे थे और मेरे पापा मेरे फ्लाइट का कभी एक्सीडेंट नहीं कर सकते। सिंपली यही मैं बात प्रमोद जी की टीम को बोलना चाहूंगा कि आपकी फ्लाइट सेम ऐसा ही पायलट चला रहा है, अब बिंदास गेम खेलिए और आगे बढ़िए, या आपकी नैया को कभी डूबने नहीं देंगे, ऐसे लीडर है। तो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को, क्योंकि देखो जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में 500 सवाल होते हैं, खास करके जो नए लोग होते हैं वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, क्योंकि उनको कोई अच्छी तरह से समझाने वाला नहीं होता उनको। मुझे अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि लोगों को ये फील होता है कि जैसे कोई आया मोटिवेशन में, चल आ जा 3 महीने के अंदर 13 लाख रुपए का चेक निकाल देता हूँ। प्रैक्टिकली सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहां लाख रुपए निकालना बड़ा आसान है, लेकिन 3 महीने में निकालना आसान नहीं है। लोग समझा के नहीं लाते कि बेटा इसके अंदर इनिशियल स्टेज पे बहुत मेहनत करनी है, थोड़े पैसे आएंगे, बहुत मेहनत करनी है थोड़े पैसे आएंगे, 1 साल के बाद बहुत मेहनत करनी है थोड़े बहुत पैसे आएंगे, 2 साल के बाद बहुत मेहनत करनी है, जितनी मेहनत है 3 साल बाद है मेहनत से कई गुना ज्यादा पैसे आएंगे, और 5 साल के बाद मेहनत नहीं करनी है बहुत सारे पैसे आएंगे। और ये चीज समझे बिना लोग एंटर होते हैं, और उनको क्योंकि वो क्विक मनी गेम वाली कंपनियां अच्छी लगती है जहां आज 10,000 भरो हर महीना 2,000 आएंगे 4,000 आएंगे, और लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि बोलते हैं कि मुझे तो क्या करूं अल्पेश, मुझे पैसों की प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा कुछ करना ही पड़ता मेरी लाइफ के अंदर। और ये लोग एक से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह फुटबॉल की तरह, मतलब ये समझो फुटबॉल की तरह किक अपने आप को मानने देते हैं कंपनियों को, और ये लोग अपना फेस वैल्यू खत्म कर देते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है कि उनकी फेस वैल्यू खत्म हो जाए, प्रॉब्लम वो भी नहीं है कि उनकी लाइफ खत्म हो जाए, ऐसे लोगों की वजह से कई लोगों की लाइफ खराब होती है। ऐसे लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जबकि उनको खुद को पता है कि इजी मनी कभी भी अर्निंग नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग नए आए हैं मैं ये समझूंगा कि भैया आप डिटरमाइन होके आना, मैं कभी किसी को ये नहीं बोला कि तू नौकरी छोड़ के कर ले। हाँ, जब आप एक अच्छे स्टेबल इनकम पे आ जाए फिर भी आप नौकरी कर रहे हो तो फिर आप मुझे नहीं बोलना चाहिए कि हम क्या है, है ना। तो मैं तो फुल फ्लेज में डे वन से हूँ मोदी कैरियर के साथ, क्योंकि मुझे कभी भी डाउट नहीं था, मुझे जरूर था कि मुझे 10 लाख रुपए 1 साल के अंदर मिल जाएंगे, नहीं मिले मुझे, दो तीन साल के अंदर मिले महीने के 10 लाख रुपए, लेकिन मैं लेने लगा क्योंकि ये मेरी सेकंड कंपनी थी। दैट्स व्हाई मुझे नेटवर्किंग सेकंड दूसरी कंपनी में करनी नहीं पड़ी, लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर थी, प्रोडक्ट सेलिंग ताकत पता थी, डुप्लीकेशन की ताकत पता थी। तो मुझे याद नहीं है कभी मैंने मोदी कैर से 1.5 लाख से नीचे का चेक लिया है लाइफ के अंदर। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा मैं डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया, और ये भी बताना चाहूंगा क्योंकि कई लोगों के अंदर विल पावर बहुत कम हो चुकी है, कोरोना जैसी जो मार, कोविड-19 जैसी जो मार आती है हमारी लाइफ के अंदर, वो इंसानों को इतना खत्म कर देती है, कहीं ये कोविड नहीं है तो दूसरा नहीं तो तीसरा, और हमारी लाइफ में एक पर एक चैलेंजेस आते रहते हैं और हम अपने आप का वजूद खो बैठते हैं, हम कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, और हमें लगता है कि यार भगवान मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं जहां भी हाथ डालता हूं वहां सब उल्टा फुल्टा ही होता है। ऐसा नहीं है, आपने सही जगह पे हाथ नहीं डाला, और सही जगह पे हाथ डालने के बाद सही दिशा में आपने मेहनत नहीं की। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ टू यू कि आपने सही जगह पे हाथ डाल दिया है, मतलब आप सारे लोग अब आज की डेट में सही जगह पे आ चुके हो, यानी कि आपके पास मोदी कह रहे हैं तो सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अब सही दिशा और मेहनत की बात आएगी। तो मैं कुछ अपनी लाइफ के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि हम कहाँ हैं वो मैटर नहीं करता, हमें कहाँ जाना है ये बहुत मैटर करता है हमारी जिंदगी के अंदर। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज डिसाइडेड है कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो फिर मोदी केयर आपके लिए मोर देन इनफ है। बस अब आपको तैयारी करनी है नहीं हारने की, आपको तैयारी करनी है एवरीडे मेहनत करने की, आपको तैयारी करनी है कम्फर्ट जोन से बाहर आने की। कहते हैं कि कभी नहीं, बहुत सारे चीज होते हैं, और पर्वत का पेड़ अगर आपको उगा है तो वो उगता है, वो कभी गमले के अंदर नहीं उगते,
की बात यह है कि हम सारे लोग दुनिया के अंदर सपने बड़े हैं, बनियान ट्री चाहिए सबको, लेकिन गमले के अंदर, और ये गमला क्या है, तो वो है कम्फर्ट जोन। हम बड़े आराम से चीजें करना चाहते हैं, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरा कोई इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए, मुझे बारिश भी नहीं चाहिए, मुझे पहाड़ भी नहीं चाहिए, मुझे धूप भी नहीं चाहिए, मुझे ठंड भी नहीं चाहिए, मुझे व्हीकल होना चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। आप सोचिए, सारी फैसिलिटीज अगर मेरी लाइफ में होगी तो फिर मैं जीत के दिखाऊंगा। अरे मेरे भाई, अगर सारी चीजें तेरे पास होगी और फिर तू जीतेगा तो तेरी लाइफ की स्टोरी क्या बनेगी, है ना? सुनील गावस्कर का जो बेटा है रोहन गावस्कर, वो वाली स्टोरी बनेगी? अमिताभ बच्चन का जो बेटा है, बेटे हैं हमारे अभिषेक बच्चन, क्या वो स्टोरी बनाना चाहते हो? वो लोग कंफर्ट जोन में है और वो सफल हो जाएंगे। राजीव गांधी का बेटा, सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी, आप क्या वो स्टोरी बनाना चाहते हो? मैं सिर्फ आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर जिंदा हो और सांसें चल रही है तो अपना वजूद खुद बनाओ। अगर पापा के पास है तो दैट्स ग्रेट, पापा के पास है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा क्या है वो मुझे हमेशा सोचना चाहिए। मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस सृष्टि को और बेहतर बनाने के लिए, मैंने इस नेशन को, इंडिया को क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने अपने परिवार को क्या कंट्रीब्यूट किया, चाहे मेरी जरूरत है या नहीं है, दोनों कंडीशन में मुझे अपना वजूद हमेशा याद रखना है। तो मैं शॉर्ट में मेरी कहानी आपको बता देता हूँ, क्योंकि सक्सेस स्टोरी इसलिए लिखा था कि सक्सेस तो अभी मैं नहीं हूँ, डेफिनेटली साल के 1.5-2 करोड़ कमाने को सक्सेस नहीं बोलते, और मेरी मेरी नजर में पैसा पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ अगर इस कंपनी की बात करें तो टॉप 5 अर्नर में मेरा नाम है। इस कंपनी की बात करें तो मैं महीने के 15 लाख रुपए कमा लेता हूँ, तो शायद आप जो लोग आज नए हैं वो मुझे सफल मानेंगे, लेकिन सफलता का मतलब मेरी फिजिकल फिटनेस होती है, मेरी मेंटल फिटनेस होती है, मेरे एम, मेरे लक्ष्य होते हैं, मैं कितना क्या सोचता हूँ ये भी एक सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, मैं क्या एटीट्यूड रखता हूँ वो एक कंट्रीब्यूट में है। सिर्फ पैसा पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ पैसा एक बहुत बड़ा हिस्सा है सफलता का, और जनरली आज की दुनिया देखा जाए, दुनिया को देखा जाए तो पैसा वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी में आता है सक्सेस के पैरामीटर के अंदर। इंसान को इज्जत भी तभी मिलती है मुझे लगता है कि जब उसके पास ज्यादा पैसे हो, क्योंकि मैं गरीब भी रह चुका हूँ मेरी लाइफ के अंदर, तो मुझे ये सारी चीजें पता है। तो मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ मेरी लाइफ के अंदर, ये उन लोगों के लिए बात है कि आज आप कहाँ हो या आपकी लैंग्वेज क्या है, आप शहर से हो, गांव से हो, आप मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हाईली एजुकेटेड हो दैट्स गुड, लेकिन नहीं हो तो भी डरने की कोई बात नहीं। तो मेरी कहानी में इतनी बातें आपको पता चलेगी कि कोई भी कर सकता है और तू भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है और तू भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो अगर मैं इज्जत से पेश आऊं तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और अगर मुझे पूछा जाए तो लोग लक की बात करते हैं कि आपका लक अच्छा है, आप मोदी घर में आ गए, आपका लक अच्छा है, आपको लोग अच्छे मिल गए, आपकी टीम बन गई। डेफिनेटली मेरा लक अच्छा है, जब मोदी घर मिला तो मैंने उसको समझा। मेरा लक अच्छा है कि जब लोगों को डेमो करने में शर्म आती थी मुझे नहीं आई, या आती थी फिर भी मैंने डेमोस्ट्रेशन किए अपने आप को धक्का मार के। जब बारिश का मौसम होता था हमारे गुजरात में, लोग पकौड़े तल के खाते हैं, लोग पकौड़े तल के खाते थे और आईपीएल के अंदर मैचेस देखते थे, तब हम रोड पे ट्रैवल करते थे, शायद कई बार तो होटल नहीं मिलती तो रोड पे सो जाते थे गाड़ी पार्क करके साइड पे, तो कई लाखों किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, हजारों लोगों को हमने मीटिंग की हजारों लोगों के साथ, और डेमोस्ट्रेशन की जहां तक बात है तो मुझे याद है कि मैंने एक मॉल का वॉशरूम टॉयलेट भी धोया था जिसमें मुझे कोई शर्म नहीं आई थी, क्योंकि अगर अक्षय कुमार को हार्पिक की एड करने में शर्म नहीं आती तो अल्पेश गज्जर उससे बड़ा नहीं है, मुझे भी शर्म नहीं आती। अगर अमिताभ बच्चन साहब को नवरत्न तेल बेचने में शर्म नहीं आती, चपरासी का सूट पहनने में या कुली का ड्रेस पहनने में शर्म नहीं आती, तो अल्पेश गज्जर को शर्म नहीं आती। विराट कोहली को ऊबर टैक्सी चलाने में शर्म नहीं आती तो अल्पेश गज्जर को शर्म नहीं आती। मेरा लक अच्छा था कि मुझे शर्म नहीं आई, मेरे काफी सारे दोस्तों को शर्म आई। मेरा लक अच्छा था कि जब टीम बनती थी और साथ में टूटती भी थी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ बिजनेस, मेरी भी टीम टूटती थी, लेकिन मैं कभी नहीं टूटा, मेरा हौसला कभी नहीं टूटा, मेरा आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा, मेरे काम करने का सिलसिला कभी नहीं टूटा, मेरा कंपनी के प्रति विश्वास कभी नहीं टूटा, मेरे अपलाइन के प्रति विश्वास कभी भी नहीं टूटा। तो
डेफिनेटली होने से आप लक मानते हो तो ये लक आप भी जागृत कर सकते हो मेरी मेरी कॉपी करके। मेरा लक अच्छा था कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरा लक अच्छा था कि गरीब घर में पैदा हुआ, हमारा किराए का मकान था, चारों दीवार मिट्टी की थी, आप यू कैन कंसिडर झोपड़ा था, ओडी बोलते थे उसको गांव के अंदर, कभी टेढ़ी बारिश आती थी एक आध दीवार गिर जाती थी, और घर में गेस्ट आती थी, मम्मा मम्मा मुझे इशारा करती थी और मैं 15-20 रुपए 10 रुपए उधार लेके आता था और चाय दूध आता था मेरे घर के। तो आप ये मत समझिए कि हम पैदाइशी अमीर थे और हमें बैकग्राउंड मिल गया, ना 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 ना। और ये भी हमेशा याद रखना कि भगवान परमपिता परमेश्वर आपको जितनी चैलेंज देता है ना, आप कंसिडर कीजिए कि भगवान को आपके ऊपर भरोसा भी उतना ही, वो आपके ऊपर बहुत भरोसा करता है। क्योंकि एक दुकानदार कभी एक बच्चे को, 3 साल के बच्चे को 12 साल का खिलौना कभी नहीं देगा, और 12 साल के बच्चे को 3 साल का खिलौना कभी नहीं देगा, नहीं तो वो वापिस आएगा। सेम भगवान भी ऐसी चैलेंजेस आपको कभी नहीं देता जिसको हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर ना हो। तो यकीन मानिए, आई लव चैलेंजेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जिंदगी भर चैलेंज चलते रहे, हाँ मैं शांति से जी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्ट में रहना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर चैलेंजेस आए तो मैं भगवान को कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। आई लव इट, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, मैं जो आपके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ, आज ये हजारों लोगों को के सामने मेरी प्रस्तुति हो रही है, लोग सुनने के लिए भी आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है लाइफ के चैलेंजेस। और दुख की बात है कि हम लोग कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं और बार बार अपना रास्ता बदलते हैं, यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहाँ से। भैया एक जगह पानी, कुआं खोदो तो पानी निकलेगा, 50 जगह नहीं निकलेगा। और मैं आपको आज ठोक बजा के कहता हूँ कि आप मोदी केयर के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर लीजिए, यह अल्पेश गज्जर का वादा है, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ कंडीशन अप्लाई, आपका भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, कंपनी के ऊपर भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। कभी छोटी मोटी चीजें होती है उसको नजरअंदाज करो, करोड़ों का धंधा है, यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। और साथ में आप मेहनत अपनी बरकरार रखिए एवरी डे, हर एक का अपना सिस्टम बना हुआ है, कंपनी का SPBM सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को आप फॉलो कीजिए। और सिस्टम का मतलब आप डरिएगा मत, सिस्टम का मतलब ये है कि वो आपकी स्कूल है जहां से आप सीख के फील्ड में क्या काम करना है वो आप सीखोगे। मतलब इजी लैंग्वेज में, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की डिग्री लेनी पड़ेगी, सेम अगर आपको मोदी केयर में सफल बनना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। वो नॉलेज हो सकता है प्रोडक्ट का हो, वो नॉलेज हो सकता है प्लान का हो, वो नॉलेज हो सकता है कि डुप्लीकेशन का हो, मैं लोगों को एक्टिवेट कैसे करूँ, लोगों को जोड़ू कैसे, लोगों को इंस्पायर कैसे करूँ, लोगों के अंदर नॉलेज कैसे फीड करूँ, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आप लर्निंग करने के लिए तैयार हो और एक्शन करने के लिए तैयार हो, दुनिया की कोई ताकत आपको भी 15-20-25 लाख 26 लाख 75 लाख कमाने से रोक नहीं सकती, ये मेरी गारंटी। तो मेरे मुझे कहते हुए दुख होता है, मैं भी फेल रहा, पापा मेरे MBCS से इंग्लिश मीडियम में रखा था, इंग्लिश मुझे आता नहीं था, डेफिनेटली इंग्लिश मुझे शायद आज भी नहीं आता, 6 आते हैं बड़े बड़े लेकिन इंग्लिश नहीं आता, और इंग्लिश सीख लूंगा। जब मुझे पता चला कि हमारी कंपनी लंदन जा रही है तो हम ब्रिटिश इंग्लिश सीख के जाएंगे और गोरो को मोटिवेट करेंगे, गोरो को इंस्पायर करेंगे, और बहुत सारा पैसा हमारे देश से गया है, हो सके तो उसको वापस भी लेके आए रेवेन्यू के तौर पे, बाकी भला तो उनका भी करना है, हमें कोई हमारे दुश्मन नहीं है। तो इंग्लिश नहीं आता था, इंग्लिश मीडियम में रखा, 10th में आगे स्टूडेंट अच्छा था, मैं पास हो गया, 12th में मेरे 4 ट्रायल है, मुझे कहते हुए शर्म भी आती है, पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरे पास बड़ा विजन नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, समझ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई एक्चुअली इसलिए होती है कि हम विजनरी बने, पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है कि हमें सही और गलत का फर्क समझ में आए, और लोगों को आज भी समझ में नहीं आता, और दुख की बात है कई बार पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में एजुकेशन में तो मास्टर होते हैं क्योंकि याद रखना है और लिखना है, याद रखना है लिखना है, लेकिन जब लोक व्यवहार की बात आती है, जब सहन करने की बात आती है, जब चैलेंजेस के अंदर कार ड्राइव करनी पड़ती है, कहते हैं ना कि एक एक एरोप्लेन होता है वो हमेशा लैंड के ऊपर सेफ होता है, लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है, उड़ने के लिए बना है, जहां वो सेफ नहीं रहता। एक नाव हमेशा किनारे के ऊपर सेफ रहती है, लेकिन वो बनी उसलिए नहीं है कि वो सेफ रहे, वो पानी में जाने के लिए ही बनी है।
सेम, अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो हम सेफ ही है, लेकिन हम बने उसके लिए नहीं है, ये भी हमेशा याद रखिए। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी में एकेडमिकली वाइज फेल रहा, आईटीआई किया 2 साल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और तब मुझे पता चला कि हम जिसको प्लम्बर वायरमैन बोलते हैं, ये प्लम्बर वायरमैन जो लोग होते हैं ना, उनको भी 2 साल की पढ़ाई करनी होती है भैया, 2 ईयर्स, 2 साल की पढ़ाई करनी होती है प्लम्बर एंड वायरमैन को। तो मोदी केयर में तो 10 लाख रुपए 3 साल में कैसे कमा लेगा ये बता दे भैया। 7-8 साल एक डॉक्टरी के लिए चाहिए, और 7-8 साल के बाद भी 2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर करोड़ों का लोन लेना पड़ता है, और फिर हॉस्पिटल करनी पड़ती है, फिर पेशेंट लाने के लिए भी मार्केटिंग करना पड़ता है। और यहाँ कोई आदमी आता है, नहीं नहीं मुझे आपकी तरह धीरे धीरे नहीं जाना, मुझे फास्ट जाना है, भैया तू कैसे फास्ट आएगा? प्लीज अंडरस्टैंड, दुनिया में कोई भी बिजनेस जब तक उसकी डिग्री आपके पास नहीं है, आपको अलाउ नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, और नॉलेज से कुछ नहीं होगा, आपका आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप वो बिजनेस कभी नहीं कर सकते। सेम मोदी केयर के अंदर भी आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। जब मैंने आईटीआई किया तो मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। फिर मैंने 1 साल जॉब की, कहीं से 75,000 उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस था पीसीओ मशीन पेफोन्स, मैंने 14 ईयर्स 14 साल उसको रन किया, और 14 साल के बाद आफ्टर 14 ईयर्स मेरे पास घर गाड़ी ऑफिस सब कुछ था। मतलब यू कैन कंसिडर कि मैं करोड़पति उस लाइन में भी बन चुका था मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन ऊपर वाले को जो पसंद होता है, वो चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमें लेना ही पड़ता है। और मैं बड़े कंफर्ट जोन में आ गया था, मैंने जितनी आसानी से बोला उतनी आसानी से मैं कभी बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं किया था। मैं रोज के 300-400 किलोमीटर बाइक चलाता था, स्कूटर चलाता था, एक एक दुकान खरीदने में मुझे मुश्किल थी, एक एक घर खरीदने में मुश्किल था। पहली बाइक आई तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, लेकिन घर गाड़ी ऑफिस सब कुछ मैंने इससे खरीद लिया। और उसके बाद में मेरी लाइफ के अंदर ये हुआ कि कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो तो अच्छा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, जो वर्ल्ड के 2nd richest आदमी कई बार रह चुके हैं, और उनका कहना है कि बेटा सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा रखना। और मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक ही था, टेलीकॉम बिजनेस, पीसीओ मशीन बेचना और कॉइन फोन बेचना। और रातों रात वो कॉलेप्स हो गया। जिन लोगों के दादा की बाप की दादा की दुकानें होती है, और उनको ये लगता है कि हमारी तो किराने की शॉप है, हमारा क्या होगा, हमारी 100 साल पुरानी शॉप है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम जीवन जरूरत की प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं आपको बता दूं, जिनके दादा की दुकानें होती है ना, उसके सराउंडिंग 3-4 किलोमीटर में बिग बाजार या डीमार्ट आ जाता है ना, तो उस दादा की दुकान को बंद करना नहीं पड़ता, बंद हो जाती। और इसीलिए सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो तो अच्छा है। होप सो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जो भी आप हजारों में हो, भगवान करे आपका बिजनेस चलता रहे और आप और तरक्की करें अपने प्रोफेशन के अंदर। लेकिन एक और एक्स्ट्रा इनकम आपकी लाइफ में अगर आपको मिलती है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे वो समझ में नहीं आता। और अगर आपको समझ में आता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो मोदी केयर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखिएगा, भले ही आप अपनी जिंदगी में करोड़पति हो, उसको स्पेयर व्हील समझ के रख लेना। और ये स्पेयर व्हील जो आपका स्पेयर व्हील है ना, वो कई घरों की रोटी भी बन जाएगा कल की डेट में, जो आपका बिजनेस कभी नहीं बन सकता, आपकी नौकरी कभी नहीं बन सकती। उसके बाद में मेरा बिजनेस, क्योंकि मोबाइल आ गए, मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि मेरा बिजनेस बंद करना नहीं पड़ा। 8 करोड़ का टर्नओवर था, 7-8 करोड़ का, वो कॉलेप्स होके 40-70 लाख पे पहुंच गया। और मैं बड़ा हिल गया था अंदर से कि अब मैं क्या करूंगा। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास बड़ी कैपिटल नहीं थी, 25-30 लाख रुपए थे, 44 लाख मेरे पास बैंक की सीसी थी, कैश क्रेडिट बोलते हैं जिसको, लोन ही कंसिडर कीजिए। तो मैं कोई बड़ा भी बिजनेस कर सकता था। मैंने जैसे एक दो बिजनेस करने का ट्राई किया, तो मुझे ये समझ में आया कि काम करना एक आदत होती है और काम नहीं करना भी एक आदत होती है। और मैं काम नहीं करने की आदत में घुस चुका था, और दैट्स व्हाई मैं कोई नए बिजनेस को वो डायमेंशन नहीं दे पाया जो मैंने शुरुआती तौर पे टेलीकॉम बिजनेस को दिया था। और दैट्स व्हाई 2-4 बिजनेस टेस्ट किए, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। और किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, शॉर्ट में बता देता हूँ, शेयर मार्केट के अंदर 1 साल के अंदर मैंने लगभग 1.5 करोड़ का कर्जा किया। 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केसेस किए थे, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट। मेरा नुकसान तो 2 करोड़ के आसपास का था, लेकिन बैंक से जो पैसे थे वो 1,36,25,000 थे। 40 बैंकों ने मेरे ऊपर केस किए थे, नोटिस आई, समन्स आया,
वारंट आया, नॉन मेलेबल वारंट आया और पुलिस ड्रेस में घर पे आने लगी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो जो ज्यादातर रेशियो होता तो सुसाइड वाला ही होता। दोस्तों ने बोला अमेरिका जा, तो हमने ये सोचा चलो अमेरिका चले जाते हैं, वहां 5 साल मेहनत कर लेंगे। तो गुजरात से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए करोड़ रुपया बड़ी बात नहीं होती अमेरिका जाने के बाद, तो मैंने सोचा चलो ये 2 नंबर में कर लेते हैं। उस वक्त एक मेरा दोस्त था जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर था और मैं इस इंडस्ट्री को बहुत नफरत करता था, देखने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरन कुछ इंसिडेंट्स हुए और मुझे एक सफल आदमी के साथ बैठना हुआ, जैसे प्रमोद जी है, अल्पेश गज्जर है, वैसे एक लीडर जो 1.5-2 करोड़ साल के कमाते थे, उनकी एज 60 साल ऊपर थी। मुझे उनकी बातों में दम नहीं लगा कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन उनके इनकम प्रूफ मेरे सामने थे, उनकी उनकी BMW मेरे सामने थी, उन्हें सोना लदा हुआ था जबकि वो पान चबा रहे थे। मुझे लगा कि यार ये आदमी अगर इस एज के अंदर ये कर सकता है तो अल्पेश गज्जर, तेरा कर्जा खत्म हो गया। हम देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ईमानदारी के साथ, कोई और कंपनी थी, आज से 10 साल पहले की बात है, मैंने 3 साल वो कंपनी की, बड़ी मुश्किलें आई। जितने लोग मुझे जानते थे वो तो फटाफट आ गए मेरी गुडविल की वजह से, जो नहीं जानते थे वो एक भी नहीं आ रहा था। ना मेरे पास कोई कन्विंसिंग पावर था, ना मुझे बेचना आता था, ना कन्विंस करना आता था, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता था, बस एक जुनून था कि पैसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बिजनेस जिंदगी बनाने वाला हो सकता है, अल्पेश गज्जर के लिए बिजनेस जिंदगी बचाने वाला बिजनेस था। और दैट्स वाई मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। फिर मुझे पता चला कि इसकी ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं, और फिर मुझे पता चला कि ट्रेनिंग मीटिंग में जो पावर मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और फिर मैंने वो स्टार्ट किया, मेरा भरोसा बढ़ता गया। मेरे पास कार में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, मैंने उसको ढक के रख दी घर पे। मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में अप डाउन करता था, रेलवे में जाता था, रेलवे में जनरल कोच में बॉम्बे तक ट्रेनिंग लेने जाता था बड़ौदा से। भूख लगती थी, मैं 10 रुपए के चने खरीद लेता था और चने खाके मैं नल का जो पानी आता है बस स्टैंड के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो पानी पी लेता था। यानी अपने आप को मैंने अनकंडीशनल झोंके हुए रखा। नसीब की बात हो रही थी ना, मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने बहानेबाजी नहीं की, मेरे पास साधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, खाना नहीं है, है ना, पीना नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, जर्नी करने के पैसे नहीं है। सुपर फास्ट ट्रेन को छोड़ के मैं लोकल ट्रेन में जाता था, क्योंकि सुपर फास्ट की टिकट थी तब 35-40 रुपया यहाँ से अहमदाबाद बड़ौदा की, और 12-13 रुपए मेमो ट्रेन की टिकट थी, मैं उतने भी पैसे बचा लिया करता था। घर चल नहीं रहा था क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इनिशियल स्टेज में खर्चा ज्यादा होता है और पैसे कम आते हैं। और थैंक गॉड मेरा लक अच्छा था कि स्टडी मैंने पहले से किया हुआ था कि अल्पेश शुरुआत में तो बहुत मेहनत करेगा, पैसे कम आएंगे। 7 महीने के बाद मेरी इनकम थी 2.25 लाख रुपए, टोटल इनकम, महीने की नहीं बता रहा हूँ, 2.25 लाख रुपए, और मेरा जो खर्चा हुआ था वो 2.75 लाख रुपए हुआ था। कुछ पीसीओ मशीन का रिपेयरिंग का चल रहा था, वहां से कैश आती थी, घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। गोल्ड मैंने बसाया हुआ था, एक एक करके हम गहना बेच रहे थे। पता नहीं आप सुनने वाले लोग ये बात कंसिडर करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि आखिरी सोना होता है किसी घर का मंगलसूत्र। मैंने अपनी वाइफ का मंगलसूत्र तक बेचा था बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और बेचते बेचते मैंने उनको ये भी बोला था कि भरोसा रखना 5 किलो सोना ला के दूंगा। पता नहीं उनको कितना भरोसा होगा, क्योंकि जो आदमी ने सब कुछ गवा दिया हो, जो 1.5 करोड़ कर्जे में हो, आज मंगलसूत्र भी बेचने निकला हो तो उसके ऊपर कोई भी वाइफ कितना भरोसा करेगी। बट आई एम सो लकी, मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ रही, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहा। तो मंगलसूत्र भी बेचा मैंने उस वक्त, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पैसा एक दिन जरूर आएगा। मैंने सोचा था 1 साल में सब सेट हो जाएगा, 1 साल में नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के बाद मेरी महीने की इनकम 5 लाख रुपए थी उस कंपनी के अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, उस कंपनी में मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए, 1.5 करोड़, यानी जितने भी बैंक के केसेस थे वो हट गए, आधे पैसे मैंने लौटा दिए, आधे मुझे खर्च करने के लिए भी चाहिए क्योंकि 3.5 साल भी बीत चुके थे। पैसे की तकलीफ तब भी मुझे थी, मुझे 5 लाख से ऊपर महीने का आ रहा था, मेरी 23-24 हजार लोगों की टीम थी उस कंपनी के अंदर, और वो कंपनी आज भी चल रही है। और मुझे भरोसा है कि अगर उस कंपनी में होता तो मेरे 50 लाख इनकम होती। लेकिन मेरी लाइफ में एक बात बड़ी क्लियर आप लोग समझ लेना कि पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब उस कंपनी में होता तो आज मुझे 200 रुपए की पेस्ट बेचनी पड़ती, जबकि आज मुझे 62 रुपीज की पेस्ट बेच के जो 15 लाख रुपए आ रहे हैं ना, आई लव इट, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने उस कंपनी में रिजाइन किया, मन हिल गया। लंबी कहानी है क्योंकि टाइम मेरे पास भी वैसे भी कम है, 1 घंटा है। और इन शॉर्ट मैंने उस कंपनी को छोड़ा जब मेरी इनकम आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस कंपनी से। आज भी इज्जत देता हूँ उस कंपनी को, बिकॉज उसके थ्रू ही डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को मैं समझा। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई अच्छी कंपनी होती ही नहीं है, या तो प्रोडक्ट महंगे होंगे, या तो प्रोडक्ट काम के नहीं होंगे, या तो पैसे नहीं होंगे एमवे की तरह। तो मैंने ये चीजें सोची थी मेरी लाइफ के अंदर, और एमवे में आते भी है तो बहुत धीरे आते, और मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे क्विक चाहिए था। कम से कम मैं 2-3 साल दे दूं तो मुझे लाइफ टाइम के लिए नेटवर्क मेरा चलना चाहिए। तो वो मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस वापस स्टार्ट किया। अब सोचिए, पहले 1 साल जॉब की, फिर 14 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया, फिर 3-3.5 साल नेटवर्किंग किया, 1.5 करोड़ रुपए कमाए, फिर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया। अब जब जैसे मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, मुझे पता चला कि 50 प्रॉब्लम है भैया, आदमी अच्छे मिलना नहीं मिलना, उधारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, माल है कस्टमर नहीं है, कस्टमर है माल नहीं है, टैक्सेस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम, कस्टम वालों ने रोका, तब जीएसटी नहीं था, तब वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो मेरी ऑफिस पे आ गए, उन्होंने रेड मारा। तो मुझे समझ में आया कि अल्पेश, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, जगह देने के बाद, अपने वर्किंग आवर्स देने के बाद, अपनी मेहनत और टैलेंट देने के बाद, अपना दिमाग देने के बाद भी तू परेशान है, और तब भी तू 5 लाख नहीं कमा सकता, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करता। तो फिर मेरे दिमाग में एक सोच आई, और मैं पूरे इंडिया में घूमा, चेन्नई भी गया, बैंगलोर भी गया, बॉम्बे गया, दिल्ली गया। जितने भी लोग नए हैं ना भैया, मेरे ऊपर भरोसा कर लेना, बिकॉज मैंने मोदी केयर को तब चुना जब मैं एक सफल नेटवर्कर था, मैंने मोदी केयर को तब चुना जब मैं 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए कमा चुका था, 1,20,30,793 रुपए मेरी पहले 3 साल की इनकम थी, 1.25 करोड़। और ये मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26AS है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक 1.5 करोड़ कमाने के बाद तो कोई उसको उल्लू नहीं बना सकता कि नेटवर्क में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, प्रोडक्ट कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, प्लान कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कंपनी का मालिक कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कंपनी के मालिक का इंटेंस क्या है, ये तक हम लोग भांप लेते हैं। तो मैंने फिर 21 अगस्त 2013 को मोदी केयर को चुना, सुरेखा मैम बड़ौदा आई, उन्होंने मुझे और मेरी टीम को कन्विंस किया, हम लोगों ने उनके साथ स्टार्ट किया काम। और आज क्योंकि आपको पता है जो सीनेरियो है, 7.5 करोड़ जैगुआर, सिर्फ मैंने जैगुआर नहीं ली, मेरी टीम के अंदर जैगुआर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब आ चुका है। और ये सिर्फ 6-6.5 साल की कहानी आपको बता रहा हूँ। और ऐसे मेरी लाइफ में 3 बार हुआ। 2017 में 2 महीने काम नहीं कर पाया, मेरा फाइल्स का माइनर ऑपरेशन था, वाइफ को पैरों में फ्रैक्चर हुआ था। तब जून जुलाई 2017 में मेरी इनकम 20 लाख रुपये थी 2 महीने। फिर जब यहाँ अभी 1 साल पहले पानी भर गया था, और बड़ौदा के अंदर क्रोकोडाइल बाहर आ गए थे बड़ौदा के अंदर, तब हमने 1 महीना हम लोग मीटिंग नहीं ले पाए, एक ही मीटिंग की थी शायद मैंने महाराष्ट्र के अंदर, और तब भी मेरी इनकम 13-14 लाख रुपए थी। February 21, 2019 मेरे पापा एक्सपायर हुए, 21 February, और 20 तारीख को हम लोग सिंगापुर मलेशिया से आए थे। और मुझे आज भी याद है कि वो पूरा महीना मैं काम नहीं कर पाया था, फिर भी मेरी इनकम 13-14 लाख रुपये थी। आप मुझे बताइए ना, आप जितने भी लोग सालों से मेहनत कर रहे हो, आप करोड़ों रुपए लगा के मेहनत कर रहे हो, आपने पढ़ाई लिखाई करके आप 20 साल से किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 4 महीने मत जाओ फिर मुझे पैसे लेके दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ पैसा इस बिजनेस का मेन फ्रूट नहीं है, पैसिव इनकम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन, इज्जत, शौहरत, अच्छे विचार, बड़ी सोच, लोगों को हेल्प करना, लोगों की जिंदगी बनाना, बिल्ड करना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो शायद आपको ये फील होगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता तो मेरे साथ यही चीजें दफन हो जाती श्मशान के अंदर। और अगर आपका टैलेंट आप श्मशान के अंदर दफन करना नहीं चाहते तो आप मोदी केयर को कर ले। आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का स्टाइल, आपका सोचने का स्टाइल, हर चीज बदल जाएगी अगर आपने मोदी केयर दिल से कर दिया। पापा के कहने से मत करना, दोस्त के कहने से मत करना, दिल से करना, दिल से। और मैं हमेशा कहता हूं कि जेब में गांधी की नोट हो ना हो चलेगा, है ना, लेकिन दिल के अंदर एक चोट जरूर होनी चाहिए कि कुछ करना है अपने लाइफ के अंदर। तो अगर कोई बड़ा दिल के अंदर बड़ी आग है, सपना है, जुनून है, तो आप टूट पड़िए, है ना, ये सिंपली बस मेरा ये है कि
अगर लोग असफल होते हैं इस बिजनेस के अंदर तो सबसे पहली बात उनकी सीखने की चाहत नहीं होती, नंबर टू उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं होती, है ना, उनको क्विक तुरंत पैसा चाहिए, मुझे जरूरत है ना, अरे भैया तुझे जरूरत है, लेकिन बिजनेस अपने हिसाब से चलता है, जरूरतों के हिसाब से बिजनेस नहीं चलता, सिस्टम के हिसाब से चलता है। और सिस्टम यही है, आप करते जाइए, लोगों को रिक्रूट करते जाइए, उनको भी इंस्पायर कीजिए, उनको भी डुप्लीकेट दीजिए, आपके अंदर जो भरोसा है ना वो उनको दीजिए। यहाँ दुख की बात है कि मेरे अंदर ही भरोसा नहीं है, मैं दूसरों को क्या दूंगा, मेरा एक साल हो गया कुछ नहीं हुआ तो मैं रो रहा हूँ, छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ये कितनी दुख की बात है कि एक साल आदमी बिताता है मोदी केयर के अंदर, उसके बावजूद भी उसको मोदी केयर की ताकत पता नहीं चलती। भैया अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, मिस्टर मोदी मुझे अलग रेट में पैसा नहीं देते, मिस्टर मोदी ने मुझे अलग से प्लान नहीं दिया, अलग से टीम नहीं दी, जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है वही हमारे पास है, लेकिन हमने अलग नजरिए से खेला, हमारा प्रोडक्ट लेट पहुंचा, हमने धंधा नहीं छोड़ दिया, हमारा प्रोडक्ट टूटा हुआ पहुंचा, हमने धंधा नहीं छोड़ दिया, हमारी अप्लाई ने कभी फोन पे जवाब नहीं दिया, हमने धंधा नहीं छोड़ दिया, हमारे मैनेजमेंट से सपोर्ट मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया, मैंने धंधा नहीं छोड़ दिया, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। और ये तो छोटी मोटी तुच्ची लुच्ची बातें हैं, अगर इसके अंदर मैं घुस जाऊंगा ना तो मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाऊंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप ओडिशा से बड़ौदा आ रहे हो और आप चाहते हो कि रास्ते में गड्ढे ही ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, गड्ढे तो आएंगे मेरे दोस्त, अब तुझे सोचना है कि ब्रेक लगा के उस गड्ढे की फोटो खींच के कलेक्टर को भेजनी है या थोड़ा सा टेढ़ा होके आगे निकल जाना है। मंजिल तो तभी पाओगे जब गड्ढों को नजरअंदाज करोगे, अगर गड्ढों को ही फोकस कर लिया ना तो आप ओडिशा से बड़ौदा कभी भी नहीं पहुंच सकते, ये मेरी गारंटी। तो सिंपली आप पॉजिटिव माइंड रहिए, कहते हैं ना कि नजर सबकी सेम होती है, ये पिंक कलर आपको भी पिंक दिखेगा मुझे भी पिंक दिख रहा है, ये ब्लू कलर आपको ब्लू दिखेगा मुझे भी ब्लू दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं नजर। लेकिन नजरिया, एक आदमी को लग रहा है कि अल्पेश गज्जर मोटिवेट कर रहा है और एक आदमी को लग रहा है कि नहीं ये सच बात कर रहा है, एक आदमी को लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल बड़ा चढ़ा रहा है ना, वो हमारा हमें गर्म कर रहा है, एक आदमी बोलेगा नहीं यार ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिला था आज तक, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल झोंक देता मोदी केयर के अंदर। तो ये नजरिया है, एक को हमेशा प्रॉब्लम ही दिखती है, उसके पास एक ही चश्मा होता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है कंपनी के अंदर, अपलाइन के अंदर, टीम के अंदर, सिस्टम के अंदर, देश के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर, फैमिली के अंदर, बाप के अंदर, माँ के अंदर, बच्चों के अंदर, वाइफ के अंदर, प्रॉब्लम क्या चल रही है, बस उसका एक ही चश्मा पहना हो। और एक आदमी बस मुझे बिजनेस वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, मेरी टीम कैसे बढ़ेगी, मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, मेरा 10 लाख का चेक कैसे आएगा, मेरी टीम में 10 लाख का चेक कैसे आएगा, मेरी गाड़ी कैसे आएगी, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, वो सिर्फ अपने दिमाग को वहीं एंगेज रखता है। और इसीलिए नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग लेजी होते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं यार मैं जो जॉब से जाता हूँ ना मुझे टाइम नहीं मिलता। भैया जॉब से जाने के बाद भी देखो थकावट जो है ना, थकावट, थकना, वो इंसान की फितरत में है, सोच में है। आप ये मत सोचिए कि आपका बॉडी थक जाता है, बॉडी कतई नहीं थकता। हमारे वहां नवरात्रि होती है, मैं आपको बता दूं गुजरात में नवरात्रि में जो बहन भाई जितने भी लोग जॉब करते हैं 6-7 बजे आते हैं घर पे, जो महिलाएं हैं उनको तो खाना भी बनाना है वो भी बना देते हैं, तैयार होते हैं अपनी सारी घर की क्रियाकर्म खत्म करने के बाद, फिर वो नवरात्रि के मैदान में जाते हैं और राउंड 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 राउंड, मतलब वो 10 बजे राउंड के अंदर घुसते हैं, अगर वो 2 बजे बंद होता है तो वो 2 बजे बाहर आएंगे, बोले मैं सबसे पहले अंदर गई थी और सबसे लास्ट में बाहर। ये वही महिलाएं हैं, ये वही भाई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं जॉब करता हूं ना उसके बाद मेरे से कुछ होगा नहीं, बहुत थक जाता हूं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा MBA फ्रेशर जब घर पे आता है ना, मामा बोलती है एक बेटा दूध लेके आ, वो क्या बोलेगा, बैग पैक के सोफे पे बैठेगा, सॉरी मामा सॉरी आई एम सो टायर्ड, आपको नहीं पता कि कॉर्पोरेट में कितना प्रेशर होता है हमारी लाइफ के अंदर, कुछ नहीं करेगा, मम्मा दूध लेने जाएगी। लेकिन उसी वक्त अगर उसको मैसेज आता है कि मैं भुवनेश्वर स्टेशन के पास खड़ी हूँ, आप देखिए हिरण कश्यप का बेटा कितने जुनून के साथ कितना फास्ट जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो जुनून कहाँ से आता है, मैंने 3-3, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बाइक पे इतनी जगह पे ऊपर लोगों को पूरी रात नवरात्रि में बैठे हुए देखा है, उनको तब थकान नहीं लगती, उनको मोदी केयर करने में थकान लगती है, इसलिए लगती है मेरे दोस्त कि मोदी केयर से क्या मिलेगा ना ये तूने कभी एहसास ही नहीं किया, तुमने अंडरस्टैंड किया है, तुमने नॉलेज लिया है, तुमने उसको समझा कभी नहीं है, तुमने अपने अंदर उतारा कभी नहीं है,
जिस दिन पता चल गया ना कि मोदी घर से क्या मिलेगा, तुम आसमान चीर के भी डेमो करोगे, आसमान चीर के भी प्रेजेंटेशन करोगे, तुम अगर 9 बजे भी जॉब से थके हुए आओगे ना तो 9 से 12 फिर आप मोदी केयर करोगे, जब तक लोग नहीं सो जाते आप मोदी केयर करोगे। उस जुनून के साथ टूट पड़िए, है ना, आपके अंदर दम है। मैं हमेशा कहता हूँ वी आर ह्यूमन, हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया है जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर प्रति आवर्स उड़ान भरता है। उस इंसान का बच्चा होके अगर तू ये बोलेगा कि मेरे से होगा कि नहीं, तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास उसके लिए कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन, कोई कहानी नहीं है, क्योंकि फिर हम इंसान के बच्चे कहलाने के लायक नहीं बचते। ये हमारे माँ बाप के ऊपर सीधी गाली होगी कि उन्होंने किसको पैदा कर दिया कि जो इतने सारे लोग कर गुजरे हैं। मतलब एक दूध वाली वाई विजया लक्ष्मी मैम मर्सिडीज बेंज लेके घूम रही है, उसके बावजूद भी एक मर्द होके एक आदमी सोच रहा है मैं कर पाऊंगा कि नहीं। फिर जब जिसको नहीं करना होता है उसको फिर मार्केट में प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, जिसको नहीं करना होता है उसको लगता है बहुत कंपनी आके चली गई, नहीं करना होता है बोले यहाँ तो कोई काम नहीं करता, नहीं करना होता है बोले यहाँ तो कोई खरीद ही नहीं करता, नहीं करना होता है बोले मैं बहुत बोलता हूँ कोई मीटिंग भी नहीं आता। जिस दिन एक जुनून आ गया ना कि करना है, सब होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में होगा, 2 साल में होगा, लेकिन होगा, ये मेरी गारंटी। तो सिंपली भैया, जिनकी आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो रिकॉर्ड बनाते हैं। आपको तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि आप फिजिकल फिट हो, और फिट होने के बाद आज तक भगवान भी माफ करेगा, माँ बाप भी माफ करेंगे, मैं भी एज अ दोस्त ऐसे भाई आपको माफ करूंगा कि आप पैसे नहीं कमाए, इट्स ओके, क्योंकि आपके पास मौका नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आप फिट भी हो, आपके पास मोदी केयर भी है, और फिर अगर आप ये बोलते हो कि आई कांट डू इट, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि भगवान दोबारा चांस देगा, तो प्लीज डेडिकेट रहिए अपने अपलाइन को, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आपकी अपलाइन कभी भी आपको गलत नहीं सिखा सकती, क्योंकि आपकी दुकान चलती है तो सबकी दुकान चलती है, आपकी दुकान बंद होगी तो हमारी एक ब्रांच बंद होती है, तो आप पूरा भरोसा रखिए, हम आपको कभी गलत नहीं सिखा सकते। आज आप आए हो, आप करोगे और आप 10 लाख रुपए कमाओगे तो कहीं ना कहीं हमें हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन आप 1 भी रुपया नहीं कमाओगे तो ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं अपनी ब्रांच के साथ गलत कैसे बोल सकता हूँ। तो वी आर मोदी केयरियंस, वी आर मोदी केयर, और हमें मोदी केयर को नंबर 1 लेके जाना है। टुगेदर वी अचीव मोर, हम साथ में मिलके झंडा लहराएंगे। आप में दम है, मुझे भरोसा है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, दोस्त आपके ऊपर भरोसा करे ना करे, अल्पेश गज्जर आपके ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि इंसान प्रजाति को जितना मैं जानता हूँ शायद इतना मुझे नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द में कोई जानता है, और अगर आप जानते हो तो दैट्स बेटर। और मैं आपको बता दूं, 100 में से 1% भी अभी मैं इंसानियत को जान नहीं पाया, हमारी क्षमता को जान नहीं पाया। फियर को हटाइए, डर को हटाइए, कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाइए। ऐसी किसी भी सोच को दिमाग में मत आने दीजिए जो आपको डिस्ट्रॉय करती है, जो आपको दुखी करती है, जो आपकी ताकत को कम करती है। बस वही सोचे डालिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। रोज 1 घंटा ट्रेनिंग में अपने अपडेशन में डालिए, और रोज कम से कम अगर आप नए भी हो तो डेडिकेटली 2 से 3 घंटे मोदी केयर को दीजिए। और जो फुल टाइमर है, आप लोग लकी हो, इसे लक बोलते हैं कि भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने आपको फुल टाइम करने का मौका दिया है। जो आम आदमी 3 साल के बाद करेगा वो फुल टाइमर 6 से 12 महीने के अंदर कर देगा। 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया कमाना इस बिजनेस में बाएं हाथ का खेल है। दोबारा बोलता हूँ, 1 साल के अंदर महीने के 1 लाख रुपए कमाना इस बिजनेस के अंदर बाएं हाथ का खेल है। तो कंसिडर कीजिए, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ बेसिक्स के ऊपर काम कीजिए। आपको मैजिक कॉर्नर बनाना ही पड़ेगा, कुछ छोटी बहुत छोटी मोटी प्रोडक्ट अपने घर पे रखनी पड़ेगी, आपको डेमो किट बनानी ही पड़ेगी, आपको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा, आपको लोगों को कॉल करना ही पड़ेगा, और ये आदत बन जाएगी। थोड़ी हफ्ता, 10 दिन 15 दिन 1 महीना अपने आप से थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, बाद में आदत बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आप मोदी केयर में क्यों हो, उसका लिस्ट और उसका चार्ट पहले बना देना। वाई मोदी केयर, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों का अच्छा एजुकेशन करना है, रिटायरमेंट पानी करनी है, मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। जो भी आपके लक्ष्य है वो सबसे पहले एक नोट में लिख दीजिए, क्योंकि जब भी फील्ड में निकलो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपना लक्ष्य कंप्लीट करने जा रहा हूँ, मैं कोई शैम्पू साबुन पाउडर बेचने नहीं जा रहा हूँ। तो 500 का बिके, 2000 का ज्वाइनिंग आए या 5000 का ज्वाइनिंग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्य
तीन साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, उतना बना लेना, ताकि आपके लक्ष्य पूरे करने के लिए हम लोग ईमानदारी के साथ आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्रमोद जी, प्रमोद भैया थैंक यू सो वेरी मच, एंटायर टीम थैंक यू अल्पेश जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच, मेरे रिक्वेस्ट रखे पाए हमारा लोगों को ट्रेनिंग दिलाए। मैं दोस्तों आप लोग को ही बताना चाहता हूँ, जो आज अल्पेश जी बताए आप लोग को, हर एक चीज उसको नोट करके रखना। और देखो मैं आज आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत टाइम इंस्पायर रहता हूँ। मैं बताया था ना शुरू में, मैं उनका फैन हूँ दोस्तों, बहुत सारी चीज मैं उनसे सीखा हूँ। तो दोस्तों आखिर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अल्पेश जी कल जोरदार ताली लगा लीजिए, जोरदार ताली लगा लीजिए। अल्पेश भाई रियली आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, सच में मुझे आज गर्व है, खुशी है कि आप आए, लोगों को मोटिवेट किए। दोस्तों मैं आज और एक इंसान के बारे में बता के मैं और आने वाला 5 से 10 मिनट के बीच में मैं कंप्लीट करूंगा, और वो इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। करीबन आज 5:30 बजे, आज शाम को 5:30 बजे मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया, और उनका नाम था अशोक श्रीवास्तव। वो बोले कि प्रमोद जी आप मोदी कैर से तो हो? मैं बोला हाँ मैं प्रमोद आचार्य मोदी कैर से बोल रहा हूँ। आपका जो वीडियो निकला था मोदी कैर के, एक वीडियो निकला था आपका कि मोदी माने जिंदे के बाद भी मोदी केयर, ये वीडियो बोले हैं चंदन पाल जी के नाम पे, क्या वो सच में पैसा कमाता है? अगर वो सच में पैसा कमाता है तो आप अपना प्रूफ दिखा दो। मैं बोला भैया ठीक है, मेरा आज का जूम आईडी तो रख लो, उसका पासवर्ड रख लो, मैं आज जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों कुछ स्टेटस रिपोर्ट में निकाल के मैं आज अभी आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ चंदन पाल जी के बारे में। पहले मैं दो शब्द बताऊंगा उनका बारे में, आप देखिए स्क्रीन में अभी अभी मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। यह तो आप एक मिनट, यह आज बात करूंगा पैसिव इनकम के बारे में, जो अशोक श्रीवास्तव जी मुझे पूछे थे कि सच या झूठ है जानने के लिए। दोस्तों जितने भी व्यूअर्स हो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, खुशी के साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों, प्रमोद आचार्य कभी भी कुछ बोलता है कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा जिंदगी में कोई बिजनेस ले लव भी छूट नहीं बोला अपना फायदा के लिए, कभी भी नहीं बोला हूं दोस्तों। आप देख लीजिए सुन लीजिए, ये जो पैसिव इनकम बोलते हैं ना मोदी कैर में मिलता है कुशल, ये उसको थोड़ा समझना चाहता हूं। पैसिव इनकम हो कि है क्या? कुछ साल काम करने के बाद अगर काम नहीं करेंगे घर में बैठे आप पैसा कमा सकते हो, और जब दुनिया भी छोड़ के जाएंगे कभी भी आपका घर को पैसा आएगा। ऐसे केस हुआ है मेरे टीम के साथ जो आज दुनिया में नहीं है, मैं उनका बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। उनके नाम ही चंदन पाल जी, जो एक एनजीओ में जॉब करते थे, और उनका सैलरी था 15,000 रुपया। अभी ये गुजर गए December 2018 को, यानी कि अगर आज हम लोग हिसाब करते हैं दोस्तों, आज अगर हिसाब करते हैं तो ये होगा 1 साल 6 महीना पहले वो गुजर गए। देखो उनका बीबी कितना छोटा बेटा था उनका। अभी देखना चलेंगे कि वो कब ज्वाइन किए थे मोदी केयर में। वो मोदी केयर में दोस्तों ज्वाइन किए थे मई 2017, यानी कि जब ज्वाइन किए थे जब से काम शुरू किया, जब एक्सपायर किया उनका बीच में गैप होता है 1 साल 7 महीना। वो 1 साल 7 महीना काम करने के बाद वो गुजर गए थे। अभी 1 साल 6 महीना हो गया उसका गुजर जाना। आज का तारीख में उनकी बीबी को हर महीना इनकम आता है 50 से 70 हजार रुपया। ये भी मैं वो वीडियो में बोला था। और उनको अभी देखिए उनका जून महीने की इनकम कितना है, 82,667 रुपया, 82,067 रुपीज। मैं अभी स्लाइड के ऊपर दोबारा एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपको 4 सवाल पूछूंगा अशोक जी, अगर आप मुझे सुनते हो तो सुन लीजिए। मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर चंदन पाल जी मोदी कर में काम ना करके वो एनजीओ में काम करते और 1.5 साल हो गए गुजर जाना उनका, क्या वो एनजीओ वाला उनका परिवार को 15,000 रुपया हर महीना देता? मैं जानता हूं अशोक जी आपकी जवाब होगा नो। सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या चंदन पाल जी जो मोदी कर में ज्वाइन करने के लिए डिसीजन लिए थे उनका डिसीजन सही था ना गलत था? मैं जानता हूं अशोक जी आप जरूर बताएंगे उनका डिसीजन सही था। तीसरे क्वेश्चन में आपको पूछना चाहता हूं, जो इंसान चंदन पाल जी को मोदी कर के बारे में समझाए थे वो उनके लिए सही किए थे ना गलत किए थे? मैं जानता हूं दोस्तों सिर्फ आप अकेला नहीं, जितने आज व्यूअर सुनते हो ना सबके जवाब आएगा आप वो सही किए थे। दोस्तों मोदी का बिजनेस आप गर्व के साथ बताना चाहता हूं, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, जिंदगी बनाने का बिजनेस है दोस्तों, जिंदगी बनाने का।
जो आप मोदी का कंसल्टेंट जाके जिसको प्लान दिखाते ना, वो प्लान नहीं दिखाते अपने फायदे के लिए दोस्तों, ये प्लान दिखाते हैं वो सामने वाला इंसान की जिंदगी भी, उसका जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन लाने के लिए, उनका परिवार को सिक्योरिटी दिलाने के लिए। मैं आज उसका प्रूफ दिखाना चाहता हूँ अशोक जी आपके सामने, स्पेशली ये स्लाइड बनाए हुए आपके लिए। ये उसको दिखाने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लेना, क्योंकि कितना ये दो पेज उनका दिखाऊंगा मैं स्टार्टर रिपोर्ट, थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लेना आप सब लोग, मेरा वॉइस भी आपको रिकॉर्ड करके रखना। ये देख लीजिए, अगर देखिए पहला जो यारो मार्ग दिखाए सुदर्शन जी दिखाई देता स्क्रीन में, ये सर ओके पहला जो ये देखिए ऊपर में जो नंबर दिखा रहे एमसीए नंबर मेरा नंबर है, राइट साइड कॉर्नर देखिए मेरा नाम मेरा एमसीए नंबर है। ये जो लास्ट जो टॉप पे यारो मार्क रेड कलर की येलो मार्क, मैं देखिए आज ही इसको डाउनलोड किया 6:01:07 में, उसका जून मंथ की था स्टेटस रिपोर्ट, उसका एमसीए नंबर आप लिख के रख लेना, तभी आपको प्रूफ के लिए जरूरत पड़ेगा अशोक जी। ये देखिए उनका पर्सनल भी किया था जून महीना में 1272.01 यानी कि मे भी 2500 रुपए के प्रोडक्ट परचेस किया था। और देखिए वहां इसका तो नीचे में जो आराम दिया गया है वहां लिखा गया है वो क्वालिफाइड डायरेक्टर, मतलब क्वालिफाइड डायरेक्टर तीन लेखे यानी कि वो एसईडी लेवल मेंटेन किया था, उनका पीजी भी दे सकते हो 9334 ये सब यारो मार्क में देकर रखा हूँ। यहाँ देखो नीचे लिखा गया प्लैटिनम डायरेक्टर, मगर वो उनका 5 डायरेक्टर ले गए, अगर मार्केटिंग पर आपका समझ में है उसका 3 लेख क्वालिफाई किया था। ये होता है उनका चार्ट, तो उनका स्टेटस का थोड़ा अपर पार्ट मैं नीचे पार्ट अभी दिखा रहा हूँ आप देख लेना इसको। इनका नाम था दोस्तों लेट चंदन पाल, उनकी वाइफ की नाम है रश्मिता पाल। आप एमसीए नंबर साथ अशोक जी आप संन्यास करा देना, मोदी कर ऑफिस में आप कोई भी कर सकते हो। ये देखिए उनका वही जो चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए नीचे वही जो दिखा रहा था प्लैटिनम डायरेक्टर है, पर्सनल भी जो था ग्रुप भी जो था सब देखिए वहां भी है। ये पेज भी स्क्रीनशॉट लेके रखना कंपेयर कर लेना। वो एसईडी के लिए क्वालिफाई किए थे और उनका लास्ट मंथ की प्रीवियस मंथ की देखो चेक का इनकम था 79,414 और अभी देख लीजिए दोस्तों ये है 82,067 रुपया है। अभी अशोक जी अगर हम सुनते हो मैं आपके लिए बनाया था, अभी आप ये मैंने जनता मोदी कर में ज्वाइन किए नहीं किए या